मेरा सफर। चाय तभी अच्छी लगती है जब उसमें मिठास हो, और वो मिठास तभी आती है जब उसमें दोस्ती का साथ हो, और इन दोनों को मिला दो तो सफर की तो क्या बात हो। ऐसा ही है अपना एक सफर, बारिश की आवाज सुनकर उनसे बातें करना और पुरानी यादों को याद करना, मीठी चाय को फील करना, एक बार जरूर ट्राई करना। थोड़ा शेप वेप करते हैं, मस्त बढ़ गई है। तो गाइस ऐसे ही एक मैं पहाड़ी एरिया पर गया था जहाँ पर कोई मुश्किल से पहुँचता भी नहीं है, और वहाँ पर मैंने सोचा था कि मैं वहाँ पर टेंट कैंपिंग करूँगा। खत्म। जिस लोकेशन पर हम लोग टेंट कैंपिंग करने के लिए जा रहे हैं, इसके पहले भी मैं वहाँ पर जा चुका हूँ, और वहाँ पर ऐसा हुआ था कि पहाड़ी एरिया है, वहाँ पर जाने नहीं आता, चलने के लिए भी बहुत मुश्किल से जगह मिलती है, और वैसे जगह पर मैं सनसेट का सीन लेना था, और वहाँ पर जाने के बाद मैंने जगह वगैरह साफ वाफ करके रखी एकदम मस्त। मैं टेंट कैंपिंग की जो भी चीज़ें थे वो मैंने सब लेके रखा था, कुछ चीज़ें मैं तो गाड़ी में ही भूल गया था और कुछ चीज़ें मेरे साथ में थी। और वहाँ पर जाने के बाद मैं पता चला टेंट के जो पोल्स होते हैं वो हमारे पास में है ही नहीं, वो हम लोगों ने जंगल के बीच रास्ते में गिरा दी। और वापस मैं वहीं पर जा रहा हूँ सेम चीज़ करने के लिए, सेम एक्साइटमेंट के साथ में। देखते हैं अभी वहाँ पर क्या होता है। मेन पर्पज़ है हम लोगों का वहाँ पर जा रहे हैं तो हम लोग एक मैगी और एक चाय, इसका ऐसा मज़ा उठाना चाहते हैं उस पहाड़ी एरिया पर, क्योंकि बहुत हेवी बारिश होती है वहाँ पर, और जो वहाँ का सीन है ना वहाँ पर जाने के बाद में ही पता चलेगा। अभी अपन कुछ बाहर जाके कुछ चीज़ें लेनी है जो कि कुछ रेंटल है, कुछ हम लोग वहाँ पर जाके डायरेक्टली ट्राई करने वाले हैं, तो जाते हैं और देखते हैं कि हम लोग क्या क्या लेने वाले हैं। अभी हम लोग बहुत भटक रहे थे एक चीज़ के लिए, वो था एक बर्नर गैस वाला, और दूसरी चीज़ थी हम लोगों को लकड़ियाँ भी चाहिए थी और टेंट भी चाहिए था। तीनों भी चीज़ें हम लोगों को नहीं मिली है, फाइनली जाके हम लोगों को लकड़ियाँ मिली है, और हम लोगों ने टेंट के लिए जो जुगाड़ किया है वो तो देख के तो आप तो हिल जाओगे। ये हम लोगों ने एक ये फ्रूट के जो शॉप्स होते हैं उसके ऊपर जो हम लोग छतरी लगाते हैं, तो वो बड़ा वाला अम्ब्रेला हम लोगों ने लिया है जुगाड़ के खातिर। अभी फाइनली हमारे पास में इसेंशियल सारी चीज़ें हैं, और बस अभी हम लोग जाने वाले हैं। बारिश इतनी ज्यादा है कि ये लोग पीछे पीछे आ रहे हैं, बट मुंह पर जो फटके बैठ रहे हैं ना बारिश के, वो बहुत आतंक फटके बैठ रहे हैं। अब देखते हैं इनसे पूछ के इनकी हालत क्या है। कैसन बा, ठीक बा? उसने कहना है चलो। Our location is at back of my side. अभी यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि इस लेवल पर हम लोगों को जाना है, और ऊपर पूरे बादल है। मैंने गाड़ी यहाँ पर पार्क की है, और यहाँ से हम लोग को अभी चलते जाना है अंदर तक, बाय वॉक जा रहे हैं यहाँ से, काफ़ी दूर है वो लेकिन जाना तो पड़ेगा। हम लोग इस गांव के रास्ते अंदर जा रहे हैं, और यहाँ से एक आगे एक मंदिर है, और उस मंदिर से हम लोगों ने लेफ्ट टर्न लिया था उस टाइमिंग पर। तो ये छोटा सा ऐसा रास्ता है जहाँ से हम लोग जा भी नहीं सकते, लेकिन कैसे तो करके हम लोगों को रास्ता तो निकालना तो पड़ेगा, लेकिन अभी यहाँ से ऊपर से जाएंगे। इस लोकेशन के हम लोग बात कर रहे हैं वो एग्जैक्ट वहाँ पे है, और यहाँ पर चारों तरफ कोहरा है और खाई भी है। अभी हम लोग इस पाइपलाइन को फॉलो करें, किधर गई पाइपलाइन इधर है, इस पाइपलाइन को फॉलो करते करते हम लोग वहाँ पर पहुँचेंगे। I'm gone.
540 वो वाला पोर्शन जितना क्लियर होगा ना वो देखने के लिए उतना ज्यादा अच्छा लगने वाला है। अभी हम लोग वहाँ पर देखने की भी कोशिश कर रहे हैं तो वो दिख भी नहीं रहा, इतने ज्यादा फॉग है वहाँ पर, बादल पूरे घिर चुके हैं उस पहाड़ी एरिया पर। और अभी हम लोग यहाँ पर चाय बना रहे हैं, आते वक्त बहुत ज्यादा हालत खराब हुई है बिकॉज बहुत 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 तंग रास्ता था और पूरी हर जगह पर बारिश की वजह से फिसलन हो चुकी थी। दैट्स वाई हम लोगों को मुश्किल से जगह मिली है और यहाँ पर हम लोगों ने ये टेंट लगाया हुआ है और यहाँ पर हमारी चालू है कि हम लोग यहाँ पर एक छोटा सा ऐसा चूल्हा टाइप जला सकें। ऐसे ट्रैवल स्पॉट पर जाओ दोस्तों के साथ और एक मस्त सी चाय लेकर दुनिया की सारी टेंशन उस दुनिया में छोड़कर ऐसे वाली खुद की दुनिया में जीना सीखो। बस अभी अभी बारिश खुली है तो इसके लिए बहुत ज़्यादा एटमॉस्फेयर बहुत खूबसूरत लग रहा है। ऐसे ट्रैवल स्पॉट पर आप लोग दोस्तों के साथ ज़रूर जाना, एक टेस्टी चाय के साथ एक खूबसूरत से एटमॉस्फेयर में ज़रूर टाइम स्पेंड करना। आपको जो फीलिंग आएगा तो तब आपको पता चलेगा कि मैं किस लेवल पर फील कर रहा हूँ। सो दिस थिंग्स आर रियली कूल, दिस थिंग्स आर रियली रियली कूल। सो आप लोग ज़रूर एंजॉय करना ऐसी जगहों पर जाकर। और अगर आप लोगों को इस वीडियो को देख के ज़रूर एंजॉय किया होगा तो ज़रूर लाइक करना, सब्सक्राइब टू अवर चैनल, रिंग द बेल आइकॉन और सपोर्ट के लिए शेयर ज़रूर करना। विद दैट सेट मिलते हैं गाइस ऐसी एक दासू ब्लॉग के साथ में विद चिरकिन सो सून। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड डूड, बाय।